हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फाइन ब्लॉग्स। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाय भैंसों की डिलीवरी के बारे में। साथियों, ये जो आप भैंस देख रहे हैं, लगभग इसका टाइम पूरा है। ऑनर ने इसकी जो डेट लिखी हुई थी प्रेग्नेंट जब ये हुई थी, और उस डेट से लेके अब तक इसका जो टाइम है वो बिल्कुल पूरा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर साथियों, इसकी दोनों पिछली टांगों में, भैंस जो आप देख रहे हैं, दोनों पिछली टांगों में स्वेलिंग आ रही है, और साथ ही साथ इसने चारा खाना पीना छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर पशुपालक भाई का कहना है कि शायद इसको बुखार हो, उसकी वजह से चारा नहीं खा रही। तो यहाँ पर हमने इसको थर्मामीटर भी लगाया है, लेकिन टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है। तो साथियों, जब भी ये जानवर की डिलीवरी का टाइम होता है, तो मेनली जो लक्षण आते हैं बहने के, वो क्या होते हैं, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जब भी गाय भैंस की डिलीवरी का टाइम होता है, तो भैंस जो है साथियों, अडर करती है, बाक करती है, थनों में दूध उतर जाता है, और जो उसके पुट्ठे होते हैं, जो साथियों वो पीछे जो पुट्ठे होते हैं उनमें गड्ढा हो जाता है, और साथ ही साथ जो पिछला जो वल्वा होती है वो ढीली हो जाती है, और हल्का सा डिस्चार्ज देने लगती है। और मेन लक्षण आता है साथियों कि जानवर पतला गोबर करने लगता है, कभी कभी सूटिंगदार दस्त करने लगता है, कभी कभी जानवर का जो गोबर है वो पतला हो जाता है। यहाँ पर बिल्कुल सेम लक्षण इसमें आ रहे हैं, लेकिन साथियों पशुपालक भाई बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। अगर इस तरह से सिम्टम्स आ रहे हों तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना है। बहुत से भाई ऐसे होते हैं कि पशु को ब्याने का टाइम है और उसको तेज डायरिया चल रहा है, दस्त चल रहे हैं, और साथ ही उसको टैबलेट दे देते हैं। ऐसा भी केस में देख चुका हूं कि भैंस का पूरा समय था ब्याने का, और ऑनर ने जैसे ही उसके दस्त देखे सूटिंगदार, तो उसको टैबलेट खिला दी दस्तों की। वहां पर वो ब्या तो गई, लेकिन साथियों उसको गोबर का बंद लग गया। तो ऐसी गलती ना करें। अगर डिलीवरी का टाइम है, ये सिम्टम्स आ रहे हैं कि पतला गोबर कर रही है, अडर में धार उतर रखी है, पुट्ठे टूटे हुए हैं, और टांगों पर स्वेलिंग आ रही है, तो घबराए नहीं, उसको एक जगह पर, एकांत जगह पर बांध देना चाहिए। साथियों, गाय भैंसों में एक मेनली प्रॉब्लम होती है, जानवरों में भी और इंसानों में भी, कि डिलीवरी के टाइम में साथियों, जानवर बहुत सा ऐसा होता है कि वो शर्माता है, वो बच्चेदानी का जैसे ही मुंह खुलता है, जो आसपास अराउंड लोग रहते हैं, उस शर्म की वजह से वो बार बार झांकते रहते हैं, और बच्चेदानी का धीरे धीरे मुंह खुलता है, और शर्म की वजह से बार बार बंद हो जाता है, और भैंस उठती है बैठती है, उठती है बैठती है, शर्म की वजह से बहुत सा जानवर नहीं भी आ पाता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, डिलीवरी का टाइम हो चुका है, तो साथियों 1 से 2 घंटे के लिए गाय भैंस को साथियों बिल्कुल एकांत जगह में, एक कमरे में, एक बिल्कुल एकांत जगह में बांध देना चाहिए, जहां पर किसी की परछाइयां लोगों का आना जाना ना हो। तो साथियों, नॉर्मल तरीके से गाय भैंस की डिलीवरी हो जाएगी, और निश्चित तौर पर अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, चारा खाना पीना छोड़ दिया है, वो चारा नहीं खा रही है, तो घबराएं नहीं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बुखार आप चेक करवाना चाहते हैं, तो नजदीकी डॉक्टर से आप बुखार चेक करवा सकते हैं, और ऐसी गलती ना करें। इसमें सिर्फ अगर आपको देनी है तो नॉर्मली आप गोली दे सकते हैं, अगर उसको फीवर भी है, लॉक किया जिसमें पायरोक्सिकैम पैरासिटामोल होता है, इस तरह की आप टैबलेट दे सकते हैं। क्योंकि साथियों, डिलीवरी के टाइम में किसी प्रकार का इंजेक्शन आप लगवा देते हैं, चाहे वो डिस्टिल वाटर का हो, तो वहां पर उसका दूध के जो ग्लैंड होते हैं, जो दूध बनाने की मशीनरी होती है, वहां पर वो काम करना बंद कर देती है, और साथियों पशुपालक का जो आर्थिक नुकसान भी होता है, और ब्याने के बाद पशु दूध नहीं दे पाता। तो इन चीजों से आपने बचना चाहिए। मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेयरी फार्मिंग से, गोट फार्म से रिलेटेड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आप डेली देखते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।